वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू आई एम डॉक्टर रंजीता एंड यू ऑल आर वेलकम टू स्टडी आई क्यू आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास इलेवन साइंस एंड सी आर टी विचेज ऑफ बायोलॉजी उसके चैप्टर नंबर फाइव के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं आज हम इस चैप्टर को फिनिश करने जा रहे हैं तो क्लास इलेवन साइंस एंड सी आर टी के सिर्फ हम उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है जो मुझे लगता है कि उसमें से आपसे सवाल पूछे जाते हैं अगर आपका कोई स्पेसिफ़िक सवाल है आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं दिस इज़ माई इंस्टाग्राम लिंक और अगर आप अगर इन इन सब चैप्टर्स जिनको आप देख रहे हैं उनसे जुड़ी हुई पी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको इस इंस्टाग्राम चैनल पर मिल जाएंगी जब आप इस इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करें तो कृपया चैनल के लिंक में, में मेरे नाम की स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें और अगर आप चाहते हैं कि क्लास सिक्स से लेकर क्लास टेन साइंस एन सी के चैप्टर्स को भी देखना तो उन सबके लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए गए हैं इस चैप्टर में जैसा कि इस चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी मौफो, ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनको हम एन जी कहते हैं उसके अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं उसके मॉर्फोलॉजी उसके स्पेशल करेक्टर्स उन सबके बारे में हम लोगों ने बात किया हमने देखा प्लांट बॉडी किस किस पार्ट से बन के बनी होती है रूट सिस्टम क्या होता है शूट सिस्टम क्या होता है हमने ये बात किया कि रूट्स के क्या मॉडिफिकेशन होते हैं रूट्स कौन से दो टाइप्स की हो सकती है फाइब्रस रूट हो सकती है टैप रूट हो सकती है हमने बात किया उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में हमने फिर ये भी बात किया कि रूट के मॉडिफिकेशंस किस लिए होते हैं उसका क्या फंक्शन होता है हमने इसमें इस, उन सभी मॉडिफिकेशंस के बारे में बात किया जितने भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है उन सब मॉडिफिकेशन को हमने कवर किया फिर हमने शूट के मॉडिफिकेशन को कवर किया हमने बात किया कि स्टेम क्या होती है स्टेम और रूट को आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि फिर हमने बात किया था स्टेम के बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी होते हैं हमने उन सबको भी पढ़ा हमने पार्ट्स ऑफ द लीव्स के बारे में बात किया हमने लीव्स के मॉडिफिकेशन के बारे में फिर बात किया आफ्टर दैट वी स्पोक अबाउट द फंक्शंस ऑफ लीव हमने बात किया फिर हमने फ्लावर्स के बारे में बात किया हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर को काफ़ी डिटेल में बात किया पहले हमने बताया देखा कि रेसिमोस और साइमोस ब्रांचिंग का मतलब क्या है फिर हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर को ये डायग्राम है उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया ये जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था हमने इसी इस जो फ्लावर के डायग्राम को छोटी क्लासेस में भी स्टडी किया है बट इस पार्ट में हमने उनको कुछ और बायोलॉजिकल नेम्स के साथ लर्न किया है तो आज इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट फ्रूट्स हमने आपको याद होगा कि हमने इसी चैप्टर में डिस्कस किया था कि अगर हम वेजिटेटिव और सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ द फ्लाव प्लांट की बात करते हैं तो वेजिटेटिव में सारे बाकी के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आते हैं लेकिन अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स अगर बात करेंगे तो उसके अंदर हमारा फ्लावर्स आते थे फ्रूट्स आता था सीड्स आते थे मतलब सीड्स कब जनरेट होते हैं जब फ्लावर जब फ्लावर uh, जनरेट होगा उसी के बाद सीड्स का फॉर्मेशन होता है और uh, ये सब कैसे प्रोसेस हो, होता है ये सेक्सुअल मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के केस में प्लांट्स वैसे बिना सेक्सुअल मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन के भी प्रोपोगेट करते हैं वो वेजिटेटिव मोड ऑफ होता था जिसको हमने छोटी क्लास में बात किया था जिसमें हमने बडिंग के बारे में बात किया था जिसमें हमने कटिंग्स uh, लगा के प्लांट्स की बात किया था आप में भी अपने घर में बहुत इजीली जैसे प्रोपोगेट करता है मनी प्लांट के केस में अगर आप उसके नूड्स से उसको कट कर देते हैं और आप दूसरी जगह पर पानी में भी अगर आप उसको डालेंगे तो वो उससे भी नया प्लांट आप बना सकते हैं तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात किया था तो अब हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं तो फ्रूट्स क्या होते हैं फ्रूट जो हैं वो किससे डेवलप होते हैं जैसा कि हम जानते हैं फ्रूट जो होते हैं वो फ्लावर से डेवलप होते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ देयर डेवलपमेंट दे आर क्लासीफाइड एट्स जो फ्रूट्स होते हैं उनको हम तीन तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं फ्रूट जो है किससे डेवलप हो रहे हैं फ्लावर इससे पहले वाली स्टेज हमने देखी ये फ्लावर बन जाता है जब भी फ्लावर होता है हमने ये देख बात किया था फ्लावर के ऊपर फीमेल पार्ट भी होता है और मेल पार्ट भी होता है तो पॉलीनेशन एक प्रोसेस होता है पॉलीनेशन जिसके थ्रू जो जो फीमेल मेल गेमिट्स हैं वो फीमेल गेमिट्स तक पहुंच पाते हैं यहाँ पे फीमेल गेमिट है ओवरी एज के अंदर फीमेल गेमिट्स हैं यहाँ पे मेल गेमिट्स होंगे तो ड्यू टू पॉलीनेशन पॉलीनेशन एजेंट कोई भी हो सकता है वाटर हो सकता है एयर हो सकता है इंसेक्ट्स हो सकते हैं बर्ड्स हो सकते हैं तो ये कुछ भी पॉलीने पॉलीनेशन uh, का एजेंट कुछ भी हो सकता है पॉलीनेशन e, एजेंट का मतलब क्या है वो कोई भी मोड वो कोई भी कारण वो कोई भी जरिया जिस जिस जरिए के थ्रू जो मेल गेमिट्स होंगे वो फीमेल गेमिट्स तक पहुंचेंगे तो उस ज़रिए को हम बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट वो कोई भी हो सकता है हवा भी पानी भी बर्ड्स भी इंसेक्ट्स भी ह्यूमंस भी कुछ केस में तो ये सब कुछ हो सकता है तो अब हमने बात किया जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है मतलब मेल गेमिट जो है वो फीमेल गेमिट्स के साथ मिल जाएगा तो फर्टिलाइजेशन बोलेंगे उसको जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है यहाँ पर तो जनरेशन ऑफ फ्रूट्स अब फ्रूट्स क्यों जनरेट होते हैं अब आप ये सोचिए फ्रूट्स जो होते हैं वो इसलिए जनरेट होते हैं कि फ्रूट्स को अल्टीमेटली सीड्स जो होते हैं सीड्स को प्रोटेक्ट करके रखना है तो फ्रूट्स अपने अंदर क्या प्रोटेक्ट करते हैं फ्रूट्स अपने अंदर सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं और वो प्रोटेक्ट क्यों करते हैं सीड्स को सीड्स so को इसलिए प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उस सीड्स के जरिए नए प्लांट्स बन पाएँ आगे जो अगर अब प्लांट्स की स्पीशी को अगर प्रोपोगेट करना है मतलब प्लांट्स की स्पीशी को आगे बढ़ना है अगर ज़िंदा रहना है तो सीड्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और सीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं वो फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं और फ्रूट्स के अंदर जो भी फ्रूट होगा उसके यहाँ पे आपको सीड मिलेंगे जनरली अंदर तो वो क्या है ये वाला पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और सीड्स उसके अंदर प्रोटेक्ट रहेंगे तो जब भी कोई कोई भी प्लांट कोई कोई भी एनिमल कोई भी इंसेक्ट या कोई भी जब इस फ्रूट को खाएगा तो वो उसे फेंक देगा और सीड्स जो है अलग अलग जगह पर जाकर ग्रो कर जाएंगे और सिमिलरली जैसे कि अगर गेहूं के केस में चावल के केस में आप देखते हैं तो वो सब क्या है वो उसके सीड्स हैं उसी को हम खाते हैं उन फूड ग्रेन्स को हम खाते भी हैं उन्हीं को हम बचा के रखते हैं ताकि हम आगे उसको आ, मिट्टी में डालकर और नए पौधे उगा सकें जिसे हम एग्रीकल्चर का नाम देते हैं राइट तो हमने एक बात समझी सबसे पहली बेसिक बात कि फ्रूट्स कैसे डेवलप हो रहे हैं फ्रूट्स फ्लावर से डेवलप हो रहे हैं जिस तरीके से वो डेवलप होते हैं जो उनका डेवलपमेंट का तरीका है अब यहाँ पे आप दो तीन चीज़ें ही मैं बात करूंगी फ्रूट्स के बारे में बहुत डिटेल नहीं पढ़ेंगे हम वही दो तीन चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं ठीक है ठीके? और पूछी जा सकती है तो अगर डेवलपमेंट के तरीके की बात करते हैं तो फ्रूट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं सिंपल फ्रूट्स एग्रीगेट फ्रूट्स मल्टीपल फ्रूट्स इस तरीके से हम बोल सकते हैं अब सिंपल फ्रूट्स क्या होते हैं हमने अभी देखा फ्रूट्स कहाँ से डेवलप हो रहा था जो फ्रूट इट इंडिकेट्स वन फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी ऑफ वन फ्लावर एक फ्लावर होगा एक फूल होगा उसकी ओवरी से एक फ्रूट डेवलप होगा एक फ्लावर एक फ्रूट डेवलप हुआ उसके ओवरी से ओवरी जो है उसी से फ्रूट डेवलप हो रहा है तभी उसी का फ्रूट बनता है ठीक है जो आसपास के जो, जो पैटल्स होते थे जो कलरफुल होते थे जो फूल में दिखाई देते हैं वो सब गिर जाते हैं जो कलरफुल पेटल्स थे उसका क्या काम था उसका काम था पॉलिनेशन हो पाए है ना तो वो सारे के सारे जो पेटल्स थे जो रंग बिरंगे आपको फूल के चारों तरफ दिखाई देते हैं जो रंग बिरंगा फूल दिखता है बेसिकली आपको वो उसके पेटल्स होते हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं वो झड़ जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं बाद में तो जो अंदर वाला जो पोर्शन होता है जो ओवरी होता है वो है रहता है और वही फ्रूट में डेवलप करता है तो सिंपल तरीके के फ्रूट्स कौन से होते हैं सिंपल फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जिसमें एक फ्लावर की ओवरी जो होती है उससे एक फ्रूट डेवलप होता है इसके एग्जाम्पल क्या है प्लम्स हैं इसके एग्जाम्पल पीचिज़ हैं इसके एग्जाम एग्जाम्पल है ना आड़ू जिसको बोला जाता है तो उससे एक फ्रूट की एक एक फ्रूट डेवलप हुआ एक फ्लावर से फिर होता है एग्रीगेट फ्रूट एग्रीगेट फ्रूट क्या होते हैं एग्रीगेशन हो रही है मतलब नाम से ही आप समझ रहे हैं मैनी ओवरीज ऑफ वन फ्लावर मैनी ओवरीज ऑफ वन फ्लावर प्रोड्यूस मैनी स्मॉल फ्रूट्स एंड द क्लस्टर ऑफ सच टाइनी फ्रूट्स इज़ कॉल्ड एग्रीगेट फ्रूट उसमें क्या आता है स्ट्रॉबेरी आपने देखा होगा ना अगर आप स्ट्रॉबेरी देखेंगे तो उसके ऊपर छोटे 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 से आपको दाने 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 से दिखाई देंगे वो क्या है बहुत सारी ओवरीज जो है वो फ्यूज़ होकर वो एक फ्रूट बना रही है कस्टर्ड ऐपल कस्टर्ड ऐपल जिसको आप बोलते हैं शरीफा हरे रंग का आपको दिखाई देता है इतना बड़ा सा उसमें आपको ऐसे ऐसे आपको बिन दिखाई देंगे वो सब क्या है ब्लैकबेरीज ये सब क्या है ये सब एग्रीगेट फ्रूट्स के एग्जाम्पल हैं फिर बात होती है मल्टीपल फ्रूट अब क्या हो रहा है वेन ओवरीज ऑफ डिफरेंट फ्लावर देखो एग्रीगेट फ्रूट में एक ही फ्लावर की बहुत सारे ओवरीज थे लेकिन मल्टीपल फ्रूट में वेन ओवरीज ऑफ डिफरेंट फ्लावर डेवलप क्लोजली टूगैदर टू फॉर्म अ सिंगल बिग फ्रूट बड़ा सा फ्रूट बना देंगे वो सारे फ्यूज होके एग्जाम्पल क्या है पाइनएप्पल फिग्स मलबरीज एक्सेट्रा देखो तीन तरीके के फ्रूट हो गए सिंपल फ्रूट वो हो गए जिसमें एक फ्लावर की एक ओवरी से एक ही फ्रूट बना सिंपल वो कौन कौन से उसके एग्जाम्पल है पीचीज उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं एग्रीगेट फ्रूट क्या हुआ एग्रीगेट फ्रूट हुआ जिसमें एक ही फ्लावर के मल्टीपल ओवरीज हो सकते हैं एक फ्लावर के अंदर और वो सब फ्यूज होकर एक फ्रूट बना रहे हैं वो थे एग्रीगेट मल्टीपल फ्रूट्स क्या है मल्टीपल फ्रूट्स में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स थे उन सब की ओवरीज ने फ्यूज़ होकर एक फ्रूट बना दिया पाइनएप्पल इसका एग्जाम्पल है ठीक है आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये कौन कौन से एग्जाम्पल्स इसके हैं। फिर आप एक नोट में देख लीजिए क्या होता है फ्रूट्स जो है डेवलप्ड फ्रॉम द फर्टिलाइज ओवरी अब हम बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है काफी बार आप, आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में जिसमें ये पूछा जाता है ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं तो पहले आपको समझना पड़ेगा ट्रू फ्रूट का मतलब क्या है तो ट्रू फ्रूट वो फ्रूट होता है जो कि डेवलप होता है फ्रॉम द फर्टिलाइज ओवरी अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी फर्टिलाइज ओवरी का क्या मतलब है अगर आप ये फ्लावर के स्ट्रक्चर पे जाते हैं यहाँ पे तो आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन कब होती है जब यहाँ से यहाँ पे मेल गेमिट होता है एंथर में जब कोई पॉलिनेटिंग एजेंट इसको यहाँ डाल देता है यहाँ पे क्या है ये है फीमेल गेमिट ओवरी के अंदर फीमेल गेमिट है जब ये मेल गहमीट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ये फर्टिलाइज हो जाएगा इसके साथ पॉलिनेशन के बाद तो उसको कहा जाएगा फर्टिलाइजेशन अगर किसी कारणवश आपने देखा होगा आपने सुना भी होगा जो लोग थोड़ा सा भी एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देते हैं या जो कॉमन सेंस से आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कुछ पौधे ऐसे होते हैं फूल निकला बहुत बार होता है अमरूद के पेड़ में भी फूल निकला लेकिन क्या हुआ आ, फ्रूट नहीं लगा सिमिलरली घिया का फूल निकला और उसमें फ्रूटिंग नहीं हुई बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं तब क्या होता है यही होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेल गेमिट्स एंड फीमेल गेमिट्स यूज नहीं हो पाए जिसकी वजह से फ्रूट्स नहीं बन पाए तो क्या बात हो रही है बात हो रही है ट्रू फ्रूट्स की तो ट्रू फ्रूट्स कौन से होते हैं जो डेवलप कहाँ से करते हैं फर्टिलाइज ओवरी से जो डेवलप होते हैं दोज आर ट्रू फ्रूट्स ओके और ट्रू फ्रूट हैज़ टू पार्ट्स पैरिकार्प एंड द सीड्स उसके अंदर सीड्स होंगे ये देखिए सीड्स होंगे ये सीड्स हैं और ये पेरीकॉर्प हैं ये सारी पेरीकार होगी इसकी ये सीड होगा तो ट्रू फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो कि फर्टिलाइज ओवरी से डेवलप हो रहे हैं फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द फ्लावर अलोंग विद ओवरी इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ओवरी से डेवलप ना हो के बाहर जो फ्लावर का और स्ट्रक्चर था उससे भी डेवलप होते हैं मतलब कुछ पार्ट बाहर से uh, लिया उन्होंने और कुछ पार्ट ओवरी से ले लिया पूरा का पूरा बाहर से लिया उन्होंने जो ओवरी से डेवलप हो रहे हैं फर्टिलाइज ओवरी से ओनली वो फ्रूट हैं ट्रू और जो फॉल्स फ्रूट्स हैं दे आर डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अलॉन्ग विद ओवरी द थैलेमस ग्रो अलॉन्ग विद द ओवरी टू फॉर्म फॉल्स फ्रूट्स तो फॉल्स फ्रूट्स के एप्पल जैसे उसका एक एग्जाम्पल है फॉल्स फ्रूट का जो फ्रूट मैंगो है और कोकोनट है ये इट डेवलप्स फ्रॉम द मोनो मोनो कैपलरी सुपीरियर ओवरीज एंड ओनली वन सीड इनके बीच में एक सीड होता है पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में डिफरेंस क्या है ट्रू फ्रूट वो फ्रूट है जो कि फर्टिलाइज ओवरी से डेवलप हो रहा है फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट्स हैं जो कि दूसरे पार्ट्स हैं जो प्लांट्स के उसके उससे डेवलप हो रहा है हो सकता है वो ओवरी वाले पार्ट से भी डेवलप हो रहा हो दोनों पार्ट्स को भी मिला के डेवलप हो रहा हो वो फॉल्स फ्रूट्स हैं तो ट्रू फ्रूट क्या हो गया ट्रू फ्रूट और द यू कार्प इज द फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम मिच्योर एंड ड्राइपन ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसमें फर्टिलाइजेशन जरूर होनी पड़ेगी जो सीड्स होंगे दे विल डेवलप फ्रॉम ओव्यूल्स जो ओवरी है उसकी फ्लावर की उसके अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स होंगे तो जो सीड्स होते हैं वो ओव्यूल से डेवलप होंगे इनसाइड द ओवरी सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रू फ्रूट इज़ पेरी कार्प इट इज द आउटर लेयर विच इज़ ऑफन एडेबल जो खाने लायक जो एक फल का हिस्सा होता है वो उसकी एपी पैरीकार्प होती है जो उसके सीड्स के बाहर होती है जेनरली जेनरली जो पेरीकार्प होती है उसको हम खाना पसंद करते हैं कलरफुल भी होती है वो एरोमेटिक भी होती है एग्ज़ाम्पल क्या है मैंगो पीच ऑरेंज ग्रेप्स ये सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं ये सब ट्रू फ्रूट्स के एग्जाम्पल हैं वो कहाँ से डेवलप हो रहे हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से डेवलप होते हैं सीड्स बन जाते हैं ओव्यूल्स के बाहर एक पेरीकार्प होती है पेरीकार्प जनरली वो हिस्सा होता है जिसे हम खाते हैं फॉल्स फ्रूट्स क्या है ये देखिए ये पीच जो है टिपिकल एग्जाम्पल है ट्रू फ्रूट का यहाँ पे सीड ये पेरीकार फिर फॉल्स फ्रूट्स क्या है फॉल्स फ्रूट्स वो हैं जो कि और फॉल्स फ्रूट और एसेसरी फ्रूट्स एसेसरी फ्रूट्स हैं ये फॉल्स फ्रूट मतलब जो ओवरी से नहीं बने हुए पार्ट से बने हुए फ्रूट फ्रूट इज दैट मेनली फ्रॉम द ऑफ द फ्लावर अदर देन ओवरी जो मेजर हिस्सा होगा वो अदर देन ओवरी होगा कुछ बार क्या होता है सम फ्लैश ऑफ द फ्रूट इज डिराइव फ्रॉम ओवरी ऑल्सो थोड़ा हिस्सा ओवरी से भी डिराइव हो सकता है लेकिन जो मेजर हिस्सा होगा उस फ्रूट का वो अदर देन ओवरी से डेवलप होगा तो इसलिए उनको फॉल्स फ्रूट कहा जाता है जनरली मोस्ट ऑफ द फॉल्स फ्रूट डेवलप फ्रॉम द हाई पैंथियम विच इज़ द कप लाइक एनलार्जमेंट ऑफ द रिसेप्टिकल्स दैट सराउंड द ओवरी जो कप लाइक -like ये इसकी ये होते हैं ना ऐसे बना होता है ये ओवरी होती है यहाँ पर ये यहाँ पर इससे डेवलप हो जाता है तो एग्ज़ाम्पल क्या है एप्पल्स पियर ग्राउड गॉड कोकम्बर जैक फ्रूट पाइन एप्पल कैशोनट मतलब ये क्या है गॉड ये होते हैं सारे के सारे वो घिया तौरी बिटर गॉड होता है ना ये सारे गॉड जो हैं घिया तौरी वाली फैमिली है तो ये सारे के सारे जो हैं ये फॉल्स फ्रूट हैं बस आपको ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में जब भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है घुमा फिरा के आई हैव सीन सो मेनी क्वेश्चन तो घुमा फिरा के क्या पूछा जा रहा है ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट होते क्या हैं या तो स्टेटमेंट पूछी जा रही है कि भाई वो फर्टिलाइज ओवरी से डेवलप हो रहा है दूसरा दूसरे पार्ट से डेवलप हो रहा है वन सेकेंड ये पूछा जा रहा है कि कौन सा फ्रूट है तो आपको देख के भी समझ में आएगा आप ये ज़रूर एग्जाम्पल लर्न कर लीजिए एप्पल जो होते हैं वो सब पियर एप्पल घ तो ये सारे कुकुम्बर जैक फ्रूट पाइनएप्पल कैशोनट ये सारे के सारे कौन है ये सब फॉल्स फ्रूट्स है ट्रू फ्रूट के क्या एग्जाम्पल थे मैंगो पीच ऑरेंज ग्रेप्स ये सारे ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल थे तो आई होप आपको फ्रूट समझ में आ गया होगा तो ये इस चार्ट में हमने देखा है इस चार्ट में आप देख भी सकते हैं ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट का कंपेयर भी किया गया इसको भी आप जरूर पढ़ लेना इसमें वही सारी बातें बताई गई हैं अ फ्रूट इन विच ऑल टिश्यूज आर डिराइव फ्रॉम द राइप ओवरी तो उसमें यूकॉप होती है डेवलप फ्रॉम द मेच्योर राइप एंड ऑवरी एग्जाम्पल दिए गए हैं इसके तो ये आप जो है पढ़ लीजिएगा ये चार्ट फॉर्म में दिखा दिया गया है आपको तो ये था फ्रूट और फ्रूट में मैंने जैसा कि आपको बताया है कि फ्रूट जो होता है उसका जो बाहर वाला हिस्सा होता है जो पैरी होती है वो एरोमेटिक होती है उसमें से खुशबू आती है वो मीठा लगता है तो ऐसा क्यों किया गया नेचर के द्वारा आप सोचिए नेचर ने ऐसा इसलिए किया ताकि बाकी के जो एनिमल्स हैं वो आके उस फ्रूट को खाएं और खा के उसकी जो सीड्स हैं उसके जो बीज हैं उसको इधर उधर फेंक दे और इधर उधर फेंकने से क्या होगा और नए पौधे उगाएंगे तो ये नेचर का एक मेकेनिज़्म था और नेचर का मेकेनिज़म अपने खुद के सीड्स के लिए न्यूट्रिशन लगाना बचाना भी था तो ये सारा नेचर का मेकेनिज़्म है इस वजह से फ्रूट्स बनते हैं ताकि सीड्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं उसके अंदर राइट right? तो आप फ्रूट के बारे में समझ गए तो इम्पॉर्टेंस क्या है फ्रूट की यहाँ पे यही सब बताया गया है फ्रूट क्या होते हैं सोर्स ऑफ वाइटमिनस हैं ऑर्गेनिक एसिड मिनरल्स पैक्टिंग शुगर ये सारे सम ऑफ देम आर यूज एज वेजिटेबल कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो वेजिटेबल की तरह भी हम यूज़ करते हैं जैसे भिंडी अब आप यहाँ पे देख लीजिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो सब्जियाँ जिसको आप सब्जियाँ कहते हैं जैसे भिंडी है जैसे टोमेटो है टमाटर पम्पकिन खीरा घिया घियातोरी ये सब क्या हैं ये एक्चुअल में ये सब फ्रूट्स हैं ये किससे डेवलप हुए हैं वो फ्लावर से डेवलप हो रहे हैं उसके है ना फ्लावर या उसके पार्ट से डेवलप हो रहे हैं तो ये सब कौन है ये सब उसके फ्रूट्स हैं एक्चुअली ये फ्रूट्स हैं जिनको हम वेजिटेबल्स कहते हैं फिर आप देखेंगे सीरील्स क्या होते हैं सीरियल्स आर वन सीडेड ड्राई फ्रूट्स फॉर्म द स्टेबल फूड ह्यूमंस के जो हम खाते हैं ये क्या है ये सीरियल्स जो होते हैं वन सीडेड ड्राई फ्रूट्स हैं फ्रूट्स आर इंपॉर्टेंट फूड फॉर फ्रूट ईटिंग बर्ड्स फ्रूट्स जो होते हैं फ्रूट ब्रीडिंग बर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं मेडिसिन की तरह भी फ्रूट्स का यूज़ किया जाता है आंवला हो गया धतूरा हो गया ये जो होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं इमेच्योर सीड्स को ये हमने बात कर लिया था जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं ये देख लीजिए ये एक आपका पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं कड़वे लगते हैं कड़वे दिखते हैं लगते हैं तो बिटर होते हैं क्यों ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टैनन्स उनके अंदर टैनन्स होते हैं बिटर एल्के्कलॉयड्स होते हैं उसके अंदर एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं सावर एसिड्स होते हैं ये किस लिए ताकि जो एनिमल्स हैं वो उनको खा ना पाए कच्चे जो फ्रूट्स हैं कच्चे फ्रूट्स होंगे तो उसके अंदर सीड डेवलप हो रहा है उसका जो बीच है वो मच्योर होने की कोशिश कर रहा है जब तक वो मच्योर नहीं हो रहा है तब तक फ्रूट कच्चा है कच्चा होता है तो उसको कड़वा लगता है उसके अंदर क्या क्या होता है उसके अंदर टैनन्स होते हैं उसके अंदर एल्केॉयड होते हैं एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं वो सब किस लिए होता है ताकि एनिमल उसको ना खाएँ तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है टैनन्स एल्कोलॉइड एस्ट्रेंजेंट्स ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है जो कि उसको कड़वा फील कराती है ये आप फ्रूट्स के बारे में समझ गए हैं अब हम बात कर लेते हैं सीड्स के बारे में जो फ्रूट्स के अंदर होते हैं बीज उसके तो सीड्स क्या है सीड्स हैं सीड्स क्या होते हैं राइपन ओव्यूल जो ओव्यूल होता है उसके अंदर राइप जब वो हो जाता है जब हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो उसके अंदर हमने ऐसे देखा है ना यहाँ पे ओव्यूल ये ओव्यूल है और इसके ओव्यूलेट्स है तो ये जो मेच्योर हो जाता है राइपन हो जाता है विच कंटेन्स एन एम्ब्रियो और टाइनी प्लांट विद सफिशेंट रिजर्व फूड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एम्ब्रियो का स्पेलिंग मिस गलत है तो एम्ब्रियो के केस में जब सीड जब डेवलप होता है तो सीड जो है वो ओवरी के अंदर जो एक नया मेचोर प्लांट हो नया जो प्लांट हो सकता है यंग प्लांट वो उसकी पॉसिबिलिटी है वो सीड है तो जो फ्रूट होता है वो क्या करता है वो नए प्लांट के लिए एम्ब्रियो के लिए खाना बचा के रखता है द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाईजेशन डेवलपिंग टू सीड्स जो सीड है ये मेड अप ऑफ होता है सीड कोट होगा उसके अंदर एक एंड एम्ब्रियो द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एम्ब्रियोनल एक्सेज एंड वन और टू कॉटेट देखो सीड्स जब भी आप देखोगे ना ओके okay. सीड हमने इस चैप्टर के जो फर्स्ट पार्ट में देखा भी था आ,

और एपिकॉटल से क्या होता था इसको प्लिमूल भी बोलते थे प्लिमूल ये मैंने आपको बताया था इससे क्या डेवलप होता था शूट स्टेम है ना तो ये सीड होता है सीड के अंदर रेडिकल होगा सीड के अंदर एपिकोटाइल होगा कॉटिलिडेंस होंगी और सीड कोट होगा इसके नाम जो है बस मैंने आपको वही कहा था नाम आपको पता होना चाहिए रेडिकल से हमेशा रूट डेवलप होगा आप याद कर लीजिए आर से है एपिकॉटल जिसको प्लेमूल भी बोलते हैं उससे शूट डेवलप होगा सीड कोट जो है उसकी कवरिंग होगी और कॉटेलिडेंस होंगे तो ये सीड का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे हम यही पढ़ रहे थे तो सीड क्या है राइपन ओव्यूल है और सीड का जो इज अप ऑफ़ सीड कोर्स होंगे इसके अंदर एम्बरीओ होगा तो एम्बरीओ इज मेड अप ऑफ रेडिकल होगा एंड वन टू कॉटेलिडन्स होंगे ये हमने अभी देख लिया स्ट्रक्चर में जो सीड होता है सीड क्या है इंटीग्रल पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट का ये क्या होता है फाउंड एनक्लोज विद इन द फ्रूट ऑफ अ प्लांट ये हम जानते हैं फ्रूट के अंदर सीड रहते हैं

गेहूँ के दाने को आप अगर पानी में भिगो भी देंगे तो क्या वो दो पार्ट्स में टूटता है नहीं वो एक ही सिंगल पार्ट में रहता है तो वो मोनोकॉटेलिडन सीड है तो क्या होता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटेलिडन प्रेजेंट इन साइड द सीड इनको हम हाँ, मोनोकॉटेलिडन्स भी कहते हैं और डाई भी कहते हैं जो मोनोकॉटेलिडन्स होते हैं वो जो सीड्स होते हैं कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एम्ब्रियोनिक लीफ तो उसमें क्या क्या आएगा राइस आएगा मिलेट्स आएंगे सारे अनियन कॉर्न जिंजर बनाना एक्सेट्रा उन सब के सीड्स इन सब के सीड्स अनियन का सीड जिंजर का सीड डाइकॉटेलिडन में क्या आएगा जिंजर और ये सब क्या आएंगे किसकी मॉडिफिकेशन है ये तो आप जानते हो वो जिंजर नहीं पूरा जिंजर नहीं है मोनोकॉट जिंजर का सीड है अगर आप कभी जिंजर का सीड देखेंगे उसकी फ्लावरिंग होगी फ्लावरिंग से फ्लावर्स के अंदर उसके सीड मिलेंगे उसको देखेंगे तब आपको वो मोनोकॉटेलिडन और डायकॉटेलिडन देखेगा आप ये मत समझिएगा कि जिंजर पूरा जिंजर तो मॉडिफिकेशन और स्टेम है उसके अंदर नोड्स और इंटर नोट्स होते हैं ना वो नहीं फिर डाईकॉर्टोलेटन की क्या बात है डाईकॉर्टोलेटन में दो होंगे क्या है उसका बीन्स होंगी पीनट्स होंगे टोमेटोस होंगे तो आई थिंक डाईकॉर्टोलेटन और मोनोकॉर्टोलेटन में इतना ही आपको जानना जरूरी है कि उसके अंदर क्या होता है किस किस का क्या क्या है इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं तो दैट वॉज इट ये एक चैप्टर था ये बायो का चैप्टर नंबर एलेवन था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स तो ये जो था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपका इसमें आपकी स्टेम की मॉडिफिकेशन रूट की मॉडिफिकेशन लीव्स की मॉडिफिकेशन फ़्लावर्स क्या होते हैं सीड्स क्या होते हैं ये सारी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर आपने ये सारे चार पांच जितने पार्ट्स हैं इस चैप्टर के इन सबको एक बार साथ में पढ़ लेना वन बाय वन अपने इस हेड में थोड़ी सी क्लैरिटी ले आना इसका पी डाउनलोड कर लेना चैप्टर uh, uh, का और एक बार पूरा एक बार जरा पढ़ लेना पूरे चैप्टर को देन यू विल हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग इन योर हेड तो इससे रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड जब भी कोई सवाल आएगा आप उसे गलत कभी नहीं करेंगे और ना ही आपको कोई कन्फ्यूजन होगा सो दिस वॉज द चैप्टर थैंक यू सो मच आई होप आपको सारे सवाल भी इससे जुड़े हुए सॉल्व कर पाएंगे थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन